आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, कैरिंग ए स्प्रिंग्स इज पास्ड ओवर टू अ स्मूथ फिक्स्ड पुली। ठीक है, अगर रोड को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है हिंज के अबाउट, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये हमको बताना है। मतलब कि टाइम पीरियड करने का मतलब है कि अगर इधर हम डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वहाँ से वहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर राइट डायरेक्शन जाएगा, फिर आएगा। तो यह जो टाइम लगेगा इतना एक पीरियड कंप्लीट करने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसको थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या होगा कि यह जो पार्ट है वह यहाँ आ जाएगा। मतलब कि यह अगर एल लेंथ है, तो यह कितना हो गया, एल साइन थीटा। तो इसका जो इधर आना है हमको, स्ट्रिंग को इधर आना होगा एल साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यह स्ट्रिंग की, तो यह स्ट्रिंग एल बाई टू लेंथ पर है, तो वह एल बाई टू साइन थीटा इधर शिफ्ट किया होगा। तो यह इधर शिफ्ट किया हुआ मतलब कि इधर आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से स्ट्रिंग स्प्रिंग का यह पार्ट इधर एल बाई एल साइन थीटा गया, और यहाँ से एल बाई टू साइन थीटा आ गया, मतलब कि टोटल जो एलोंगेशन हुआ वह हो गया एल बाई टू साइन थीटा। तो जो फोर्स होगा वो होगा के इंटू एल बाई टू इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ओके, यह जो फोर्स लगाएगा एक्स एलोंगेशन होने के बाद इधर लगाएगा और इस पर इधर लगाएगा। ठीक है, तो इधर इस पर मतलब कि यहाँ से इधर फोर्स लगेगा और यहाँ से इधर फोर्स लगेगा। तो इसके कारण टॉर्क क्या होगा अगर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन की पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उधर ही नेट टॉर्क आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सलेशन होता है वह मीन पोजीशन की तरफ होता है एसएचएम में, तो यहाँ एंगुलर एसएचएम करेगा जब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो। ठीक है, तो इसका जो कितना है, के इंटू एल बाई टू इंटू साइन थीटा, के एल बाई टू इंटू साइन थीटा, यह क्या हो गया, फोर्स हो गया यहाँ पर। और वो डिस्टेंस कितना है, यह एल लेंथ है, तो एल का कॉस थीटा यहाँ से डिस्टेंस है और इधर लग रहा है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज में, तो इतना इंटू कॉस थीटा हमारा टॉर्क हो गया। ठीक है, और एम जी के कारण, एम जी यहाँ एल बाई टू पर लगेगा, और जो कि कितना है, एल बाई टू इंटू साइन थीटा है। ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉक वाइज में, तो एम जी इंटू एल बाई टू इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो कितना लग रहा होगा, यह यहाँ से जितना ही फोर्स से पुल कर रहा होगा उतना ही फोर्स यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू एल बाई टू साइन थीटा इंटू यह डिस्टेंस। ठीक है, तो यह डिस्टेंस कितना है, यह डिस्टेंस है एल बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, और वह चूंकि किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिवली है, तो हो जाएगा के इंटू एल बाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बार और एल बाई एल कॉस थीटा होगा ना, और यहाँ एल बाई टू। ठीक है, ओके, तो नेट टॉर्क क्या होगा, टी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि थीटा छोटा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कॉस थीटा की जगह पर वन लिखते हैं और साइन थीटा की जगह पर थीटा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा, यहाँ क्या होगा, एम जी इंटू एल बाई टू इंटू थीटा, और यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा वन हो गया, साइन थीटा हो गया, मतलब माइनस के एल स्क्वायर बाई फोर इंटू थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है। तो अगर हम टॉर्क के एल स्क्वायर बाई टू माइनस के एल स्क्वायर बाई फोर, मतलब के एल स्क्वायर बाई फोर, तो के एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम जी इंटू एल बाई टू इंटू थीटा इज इक्वल टू आई, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू मिलेगा कितना, यहाँ पर फोर एल सी एम हो जाएगा, के एल स्क्वायर प्लस टू एम जी एल बाई फोर। ठीक है,
और उधर से थीटा है, तो अल्फा इक्वल टू कितना थीटा हुआ, 3 ऊपर चल जाएगा और एम एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर गया एम एल स्क्वायर नीचे आ गया, थीटा इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए जबकि थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा तो हो ही गया है ऑलरेडी, क्योंकि हम उल्टा डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 3/4 के एल स्क्वायर प्लस 2 mg L डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल गया, तो ये हम जान रहे हैं कि टाइम पीरियड तो फिर वो पूरा होता है 4 चक्कर, मतलब कि यहाँ से यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसा करता तो वो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/ω करते, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से आएगा तो उतना टाइम कितना लेगा, π/ω, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जब वो इधर जाएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि यह जो इधर शिफ्ट करेगा और उसके बाद फिर स्ट्रिंग में जो है क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर, तो यह किसके तरह वर्क करेगा, फिजिकल पेंडुलम की तरह करेगा। तो फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√mg, 2π√i/mgd, ठीक है, तो ये भी आधा हो रहा है तो पाई इंटू अंडर रूट आई बाई एम जी डी होगा। उसके पहले इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, मतलब कितना टाइम लगेगा हाफ करने में, T1 इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा है √3, मतलब अंडर रूट इतना, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई करेंगे और बाई बाई ओमेगा करेंगे तो यह उलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो 4 ml² / 3 × kL² प्लस 2 mg L, ये हमारा हो जाएगा T1, और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा π√i/mgd, I कितना है ml² / 3, ठीक है। ओके, और D क्या होता है, D होता है कि सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट का डिस्टेंस, तो जो कि L/2 है, ठीक है। तो ये हो गया I/mgd, मतलब m×g×L/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, T2 हो गया और यह T1 हो गया, T1 प्लस T2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।